अबे ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने तनु को शादी के लिए प्रपोज किया मुझे बताए बगैर, उसे पूछे बगैर, और फिर खुद बताने नहीं आया, इसे क्यों भेज दिया? हाँ दादी, ये सच है, और वो मैंने इसे इसलिए भेजा क्योंकि ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है ना दादी, तो मैं देखना चाह रहा था कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी मेरे पर्सनल काम करने में कितनी एफिशिएंट है। ओए तो छोड़ इन बातों को, ये बता कि ये लड़की सच बोल रही है कि झूठ? ये सच है। अभी अब शादी की तुझे इतनी जल्दी क्या थी? चल तूने प्रपोज कर दिया तो कर दिया, ये मीडिया न्यूज ये सब क्या करना है तुझे? हाँ, और फिर तूने हमें भी नहीं बताया। अच्छा चल तूने मुझे नहीं बताया ना, से कम दीदी से तो सलाह कर लेता। दासी, दादी मुझे पता है ये बात आप लोगों को अजीब लग रही है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर रास्ता होता तो मीडिया क्या, मैं तो तनु को प्रपोज तक नहीं करता। पार्टी में जो हुआ उसका असर मेरे परिवार पर पड़ता, लोग तो दादी से सवाल करते, उनकी परवरिश पर उंगली उठाते, और मैं वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लोग तो यही कहते ना कि घर में बेटी होकर मैं दूसरों की बेटी पर बुरी नजर डाल रहा हूँ। मेरी हरकतों की वजह से अगर मेरा नाम खराब हुआ तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी हरकतों की वजह से मेरे परिवार पर असर पड़ता है तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। दादी, दासी, पार्टी में जो हुआ उसे सुधारने का यही एक रास्ता था, जिससे ना तनु का नाम खराब होगा ना मेरा। और ये बात मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तनु क्या जवाब देने वाली है। मैंने सोचा एक बार मैं तनु को प्रपोज कर दूंगा, उसके बाद आप लोगों को आकर सब कुछ बता दूंगा। ए दादी, दादी आप ही बताइए ना, जब मैंने ये सब कुछ अपने परिवार के लिए किया तो क्या मैं जानबूझकर आपको हर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? दादी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? थैंक्स दादी, आपका जो मुझ पर भरोसा है ना, मैं कभी उसे टूटने नहीं दूंगा। और वैसे आप ही कहा करती है ना कि अभी शादी कर ले, तो मैं शादी करने जा रहा हूं। बस वो लड़की आपके पसंद की नहीं है, पर इतनी बुरी भी नहीं है वो दादी। क्या मैं आपकी माफी पक्की समझूं? थैंक यू दादी, मैं चलता हूं, और तुम चलो कुछ बातें करनी, आ जाओ। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो, रोशनी, यश ही जोकर, लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है, हाउ कुड इट बी, और तुम कोमा में थे ना? पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ, और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी, प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं, नहीं, खून, खून के बदले, कौन? पर मां साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो,
सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है छाई। तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।